हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कल की वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, स्ट्रेस क्या होती है। नेक्स्ट आज हम टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होती है। स्ट्रेस इज़ ए पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। आप लोगों को पता है कि जो स्ट्रेस है वो एवरीडे पार्ट है, मतलब कि हमारी लाइफ में डेली कोई ना कोई स्ट्रेस रहता ही है। देर आर मैनी इंस्टेंसेज वेयर स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल। अ फायर अलार्म इज़ इंटेंडेड टू कॉज स्ट्रेस दैट अलर्ट्स यू टू अवॉइड डेंजर। जैसे एक फायर अलार्म होता है, वो भी एक स्ट्रेस रहता है आपके मन में कि हाँ, अब डेंजर को अवॉइड करने के लिए। द स्ट्रेस क्रिएटेड बाय डेड लाइन टू फिनिश ए पेपर कैन मोटिवेट यू फिनिश द असाइनमेंट। मान लो कि आपको होमवर्क दे दिया या दे दी कि आपको डेड लाइन दे दी कि आपको एक दिन में पूरी करनी है, तो वो भी आपके मन में स्ट्रेस है। बट वेन एक्सपीरियंसड इन एक्सेस और फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्ट्रेस हैज़ द अपोजिट इफेक्ट। लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस करें, अगर लॉन्ग पीरियड के लिए, टाइम के लिए हो, तो उसका अपोजिट इफेक्ट पड़ता है। जैसे इट कैन हार्म और इमोशनल एंड फिज़िकल हेल्थ। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो फिज़िकल हेल्थ पे भी और हमारे इमोशनल, हमारे दिमाग पे भी बहुत बड़ा बोझ डाल देता है। एंड लिमिट आवर एबिलिटी टू फंक्शन वेल एट होम। और हम घर पर अच्छे से काम नहीं कर पाते, एक स्कूल पर नहीं कर पाते, या अपनी रिलेशनशिप में सही नहीं रह पाते। जैसे कई बार होता है कि हम ऑफिस में इतना काम कराते हैं कि हमारे माइंड में इतना स्ट्रेस हो जाता है, हम घर पे अच्छे से टाइम नहीं स्पेंड कर पाते अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, ठीक है। और क्या होता है, हमारे दिमाग पे इतना स्ट्रेस रहता है, हम अच्छे से काम भी नहीं कर पाते दूसरा घर का भी। तो मैनेजिंग स्ट्रेस इज़ अबाउट मेकिंग ए प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर। तो अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करके रखोगे, तो आप जो आपके माइंड में डेली प्रेशर है वो कम रह जाएगा। द अल्टीमेट गोल इज़ टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन एंड फन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ के बीच में, अपने वर्क के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में। तो बाय डूइंग दिस यू आर एबल टू डील विद डेली स्ट्रेस ट्रिगर्स एंड मीट दिस चैलेंजेस हेड ऑन। अगर आप डेली इस चीज़ को करोगे तो क्या होएगा कि आपको जो भी चैलेंजेस दिन ब दिन आते हैं उनको आप हैंडल कर पाओगे। क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? ABC देखो इसमें दे रखा है, एडवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट। मतलब कि आप ऐसे इवेंट करो जो लगते हैं कि आपको स्ट्रेसफुल ना हो, ठीक है। बेनिफिट्स और द वे यू रिस्पोंड टू द इवेंट। बेनिफिट्स क्या हैं उसके, आप उसको रिस्पोंड करने के। कॉन्सिक्वेंसेस और एक्शंस एंड आउटकम्स ऑफ द इवेंट। जो इवेंट कर रहे हो या जो काम हो रहा है उसके आउटकम्स क्या रहेंगे, क्या एक्शन परफॉर्म होगा उस पर। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है आपको? सबसे पहले देखो, हैव ए जॉयफुल लाइफ। पहले आपको आपकी लाइफ जॉयफुल होनी चाहिए, हमेशा माइंड में स्ट्रेस नहीं, कि हमेशा आप थोड़े बहुत इंजॉय भी करो अपनी लाइफ में। फोकस एंड कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। फोकस करो कि आपका काम टाइम पर ही हो। बी हैप्पी पर्सन एज यू आर स्ट्रेस फ्री। हमेशा खुश रहो, अपने मन पे स्ट्रेस ज़्यादा ना लो। बी मोर एनर्जेटिक एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स। एनर्जेटिक रहो, एक्टिव रहो, और अपना टाइम जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताओ। 3 steps हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के। Step 1, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। आपको पता होना चाहिए कि आप कब स्ट्रेस्ड हो। लुक आउट फॉर साइंस ऑफ स्ट्रेस। जैसे कि क्या, कैसे पता लगता है कि आप स्ट्रेस में हो? अगर आपको हेडेक होता है, स्लीपलेसनेस होती है, मतलब नींद नहीं आती, सैडनेस, उदास हो, बिना बात की चिंता आ रही है, नर्वसनेस हो रही है, तो ये सब क्या हैं आपको स्ट्रेस के मतलब सिम्टम्स हैं। Step 2, आइडेंटिफाई व्हाट इज़ कॉजिंग यू स्ट्रेस। फिर आइडेंटिफाई करो, सोचो कि मुझे ये स्ट्रेस आ क्यों रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम के कारण आ रहा है, कोई फैमिली प्रेशर की वजह से आ रहा है, कोई मनी इशू है, या मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया है। तो ये भी सोचो कि स्ट्रेस आ किस लिए रहा है। Step 3, अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड। यूज़ टाइम मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज योर टाइम वेल। टाइम मैनेजमेंट टूल यूज़ करो टाइम को मैनेज करने के लिए। फोकस करो कि आपका जो टास्क है वो टाइम पे हो जाए। टॉक टू समवन क्लोज अबाउट टू इशू। अगर वो फैमिली इशू है तो अपने किसी जो आपसे क्लोज है उस इशू के बारे में आप उससे बात करो। टेक टाइम टू रिलैक्स बाय एक्सरसाइज करो। कोई मूवी ऐसी देखो जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। एक्टिविटी विच कैन हेल्प विल, जिस ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें आपको लगता है कि आप रिलैक्स फील कर सकते हो। तो ये 3 जो रूल्स हैं जिससे आपकी स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकते हो। मैनेजमेंट टेक्निक्स कैसी रहती हैं इसकी? टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहले प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स। अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो सबसे अच्छी टेक्निक है, इफेक्टिव टेक्निक है ये स्ट्रेस रिलीविंग की। टाइम मैनेजमेंट मतलब पहले से ही आप अपना शेड्यूल बना के रखो कि किस टाइम पे आपको कौन सा जो वर्क है पूरा कंप्लीट करना है। फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर।
फिजिकल एक्सरसाइज करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, एरोबिक्स करो, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीथिंग करो, ठीक है। इससे क्या रहेगा, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन रिलैक्स रहेगी, हो सकता है तो इवनिंग मॉर्निंग वॉक करो, फ्रेश ऑक्सीजन लो, ये सब आप कर सकते हो। हेल्दी डाइट, अच्छी डाइट लेनी चाहिए आपको, बाहर के फास्ट फूड वगैरह इसको आप बिल्कुल डिस्कार्ड ही कर दो, बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं है ये चीज़ खानी है। बैलेंस डाइट खाओ, जैसे दाल रोटी, वेजिटेबल्स, फ्रूट, सैलेड, ये सब आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। पॉजिटिविटी, और सबसे बड़ी चीज़ इन सबसे ऊपर चीज़ है एक पॉजिटिविटी। अपने मन में हमेशा नेगेटिव बातों को कभी मत लेके आओ, पॉजिटिविटी सोचो कि हमेशा ये चीज़ करूँगा तो अच्छा ही होगा। हर चीज़ अच्छी चीज़ें सोचोगे तो अपने आप मन में जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है, इंस्टेड ऑफ फीलिंग अपसेट ओवर स्कोरिंग लेस इन अ टेस्ट, ट्राई टू मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लुक टू अवेज टू इम्प्रूव द नेक्स्ट टाइम। अब आपके मान लो टेस्ट में कम नंबर आए हैं तो आपके अपसेट नहीं हो, आप क्या अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, आप सोचो कि अगली बार मैं तो ये चीज़ करूँगी, इसमें इंप्रूवमेंट करूँगी तो और भी अच्छे नंबर आएंगे, पॉजिटिविटी रखोगे माइंड में। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, नो डिलेइंग, मतलब फिनिशिंग इन असाइनमेंट्स ऑन टाइम, कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल डेडलाइंस, अपनी क्लास नोट्स बना के रखो अच्छे से, असाइनमेंट को टाइम पे कंप्लीट करो और डेडलाइन देखो कि कब तक कंप्लीट करना है आपको। डेडलाइन का मतलब होता है मतलब जो फिक्स टाइम जो आपको दिया हुआ है जिस टाइम पे आपको वो काम करना है। स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस टू ए ग्रेट एक्सटेंट, तो स्ट्रेस काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाएगा अगर आप ये चीज़ करके रखोगे। स्लीप, आपको कम से कम 7 to 7 hours तो स्लीप मतलब सोना चाहिए ही, ताकि आपकी ब्रेन और बॉडी जो है रिचार्ज हो जाए और आप रिलैक्स फील कर सको और अगले दिन एक्टिव हो। हॉलीडेज़ विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, हॉलीडेज़ पे जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाओ या समर वेकेशन पे कहीं घूमने जाओ, ब्रेक लो नॉर्मल रूटीन से ताकि आप फ्रेश फील कर पाओ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। देखो, इफ़ यू कैन बिकम ए काम एंड रिलैक्स पर्सन, यू विल बी हैव द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, विच मीन्स बिकमिंग सेल्फ अफेयर। तो एबिलिटी वर्क इंडिपेंडेंटली मतलब इफ़ यू कैन बिकम ए काम एंड रिलैक्स, अगर आप काम और रिलैक्स पर्सन हो, शांति रखते हो, रिलैक्स रहते हो, तो आप एबिलिटी कर सकते हो और अच्छे से काम को। बिकमिंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मोनिटरिंग, अपने आप को अवेयर करो, अपने आप की मोनिटरिंग करो, अपने आप को ठीक करो जहाँ पे आप गलत हो। नोइंग वट यू नीड टू डू, ये सोचो कि मुझे क्या करना है। टोकिंग द इनिशिएटिव रादर देन बींग टोल्ड वट टू डू, आप खुद इनिशिएटिव लो किसी चीज़ को करने का, ये नहीं कोई और आपको कहे। रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स, अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करो कि मैंने क्या गलती करी है, दूसरों को ब्लेम नहीं करो। हैविंग द एबिलिटी एंड दैट विल टू लर्न कंटिन्यूसली, ऐसी एबिलिटी रखो कि आप हमेशा कंटिन्यूसली लर्न करते रहो किसी चीज़ों से। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर्स। इसमें क्या होता है कि आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना भी आना चाहिए, खुद के इमोशंस को भी और दूसरों के इमोशंस को भी। ये कैसे रहता है, जैसे इमोशनल अवेयरनेस द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड नेम वंस ओन इमोशन, आप अपने खुद के इमोशंस पे अगर कंट्रोल कर पाओगे तभी आप अपने एक तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस में काउंट हो पाओगे। जैसे एग्जांपल ले रखा है हार्नेसिंग इमोशंस, द एबिलिटी टू हार्नेस एंड अप्लाई इमोशंस टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप ऐसे इमोशंस को इस तरह से अप्लाई करके देखो, ऐसे सोचो कि जो आप सोच रहे हो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जो भी आप अपने मन में कोई भी टास्क सोच रहे हो या इमोशन के बारे में बात कर रहे हो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। मैनेजिंग इमोशंस, द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन इमोशंस वेन नेसेसरी एंड हेल्प अदर्स टू डू द सेम। आप ऐसी चीज़ें करो जो आपको आपको हमेशा बता रहा है कि दूसरों को हेल्प भी कर रहा है, दूसरों की भी प्रॉब्लम में हेल्प कर रहा है कि वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपको खुद की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। तो नोइंग हाउ टू मैनेज वंस इमोशंस इज क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ अस, कि दूसरों के इमोशंस को कैसे मैनेज करना बहुत क्रिटिकल है हम लोगों के लिए, बहुत मुश्किल है। तो यू कैन मैनेज स्ट्रेस, कीप योर ब्रेन एक्टिव एंड ओपन माइंडेड, अगर आप अपना ब्रेन एक्टिव रखोगे, ओपन माइंडेड रखोगे तो ईजिली आप इन फेलियर से जल्दी से उभर पाओगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो हेल्प यू हैव बेटर रिलेशंस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, अगर आपकी इमोशंस हैं जो वो
इमोशनल इंटेलिजेंस है आपके अंदर, तो अपनी रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी अच्छा रख पाओगे। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है बच्चों, रवि एंड हिज बेस्ट फ्रेंड शिव हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द एनुअल स्कूल डांस कंपटीशन। रवि एंड तो इसमें एग्जांपल देखो दे रखा है कि रवि और दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड शिव दोनों फ्रेंड्स हैं, एनुअल डांस की कंपटीशन है उनके स्कूल में। दे आर बोथ परफॉर्मिंग सोलो, दोनों ने सोलो परफॉर्म करना है। ऑन द डे ऑफ द कंपटीशन शिव वॉन, कंपटीशन वाले दिन शिव वॉन हो गया। रवि लेफ्ट एक्सट्रीमली सैड एंड डिजेक्टेड, रवि को क्या हुआ, सैड रहा और डिजेक्टेड हो गया कि मैं क्यों नहीं फर्स्ट आया। ही शाउटेड ऑन शिव अननेसेसरली, उसने अपने फ्रेंडशिप पे बहुत ज़्यादा चिल्लाया कि गलती तो उसकी नहीं थी। ही क्राइड एंड ऑल्सो डिड नॉट टॉक टू हिज पेरेंट्स फॉर 3 to 4, और वो रोता रहा और अपने पेरेंट्स से भी उसने 3-4 घंटे बात नहीं की। तो ऑन द कंट्रेरी इफ रवि वुड हैव बीन इमोशनली इंटेलिजेंट ही वुड हैव एक्सेप्टेड डिफीट ग्रेसफुली। अगर हम मान के चलते कि रवि अगर इमोशनली इंटेलिजेंट होता तो वह अपनी जो हार से क्या करता, मतलब एक्सेप्ट करता उसको कि मैं हारा हूँ तो किस चीज़ के लिए हारा हूँ, बल्कि ये नहीं इमोशनल फूल होके उस चीज़ को सोचता रहता कि मैं क्यों हार गया और रोता रहता, है ना। वो इससे और अच्छा करता, नेक्स्ट बेटर अप्लाई करता और नेक्स्ट कंपटीशन में जाता। तो बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट इन्हांसिस योर चांसेस ऑफ सक्सेस एंड बैलेंस लाइफ। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो तो आगे आपके सक्सेस होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं और आपकी जो लाइफ है वो भी बैलेंस रहती है। जैसे कुछ और स्टेप्स हैं जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस हम कर सकते हैं, जैसे अंडरस्टैंड योर इमोशंस, अपने इमोशंस को समझना, अपने बिहेवियर को देखना कि दैट थिंग्स यू नीड टू वर्क ऑन, किस पे आपको काम ज़्यादा, आप किस चीज़ में वीक हो ज़्यादा और किस चीज़ की इंप्रूवमेंट आप में ज़्यादा है। रैशनलाइज, डू नॉट टेक डिसीजन अब्रप्टली, बी रिलेशन इन योर थिंकिंग, एकदम आपको नहीं अपने डिसीजन लेने चाहिए, उस पर अच्छे से सोचो। प्रैक्टिस, डू मेडिटेशन एंड योगा टू कीप योर सेल्फ काम, मेडिटेशन करो योगा करो ताकि आपका जो माइंड है वो काम रहे और आप ज़्यादा इमोशनली एकदम मिसमैनेज ना हो जाओ, अपनी लाइफ को बैलेंस रखो। तो ये था हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।